हरे कृष्णा दोस्तों, कृष्ण संगम जल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप ठाकुर जी, राधा रानी या फिर युगल सरकार की सेवा करते हैं तो आपको फागोत्सव किस तरह से मनाना है, ठाकुर जी के साथ किन किन प्रकार की होली खेली जाती है, किस प्रकार से आपको होली खेलने, किस तरह को श्रृंगार करना है, मुख्य जो भोग लगाए जाते हैं होली पर वो कौन कौन से भोग हैं, किस प्रकार आपको वो लगाने हैं, साथ ही संपूर्ण सेवा होली वाले दिन की हम आपको बताने वाले हैं। और साथ ही ये भी बताएंगे दोस्तों कि ब्रज में किस प्रकार होली खेली जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की इस वीडियो को। अगर आपको दोस्तों अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी, और शेयर करिए फ्रेंड्स और फैमिली से। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हम आज की इस वीडियो को। हमारे ठाकुर जी के प्रिय भक्तों के जो है होली बहुत ही मुख्य त्यौहार है, क्योंकि हमारे ठाकुर जी के प्राण वल्लभ श्रीमती राधा रानी का जो है होली सबसे फेवरेट त्यौहार था। हमारी राधा रानी को जो है होली खेलना बहुत पसंद है, इसलिए हमारे ठाकुर जी को भी जो है होली खेलना बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों जो है वृंदावन में ठाकुर जी की ब्रजभूमि में जो है 40 दिन की होली मनाई जाती है। वसंत पंचमी से लेकर जो है रंग पंचमी तक होली का ये उत्सव चलता है, जिसमें जो है मुख्य पर्व होते हैं एकादशी और फुलेरा दौज, रंग भरी ग्यारस और रंग पंचमी, बसंत पंचमी, ये सब जो है मुख्य त्यौहार। इनमें विशेष उत्सवों का आयोजन होता है। वैसे दोस्तों 40 दिन ठाकुर जी के सुबह दोपहर शाम खूब रंग उड़ता है, बरसाने, वृंदावन, गोकुल, ठाकुर जी की हर एक गली में मानो बहुत ही अच्छे से जो है फाग उत्सव मनाया जाता है। ठाकुर जी को अलग अलग तरह के भोग उगाए जाते हैं, काफ़ी तरह की होलियाँ होती हैं जो हम आपको आगे वीडियो में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा दोस्तों, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी मिल पाए। दोस्तों चलिए अब बता देते हैं आपको कि होली के दिन आपको सबसे पहले ठाकुर जी की सेवा किस प्रकार से करनी है। दोस्तों जब भी आप वीडियो देखें दोस्तों, उसके बाद से आप जो है ठाकुर जी को रंग लगाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हमारे ठाकुर जी को जो है होली खेलना बहुत पसंद है। वसंत पंचमी के बाद से रंग पंचमी तक हम तो डेली ठाकुर जी को जो है थोड़ा सा गुलाल उनके चरणों में और उनके कपोलों पर, मतलब उनके गालों पर गुलाल लगाते हैं। राधा रानी को भी लोग थोड़ा गुलाल लगाते हैं, तो आप भी दोस्तों ऐसा ज़रूर करिएगा। अब चर्चा करते हैं होली वाले दिन। सबसे पहले आपको जो है जलने वाली होली के शाम को ठाकुर जी के लिए माला बनानी है, मेवे की, टॉफ़ी, बिस्किट, जिस तरह से आप बच्चों के लिए माला बनाते हैं ठाकुर जी के लिए ज़रूर बनाइए कि माला उनको पहनाइए। उसके बाद थोड़ा थोड़ा गुलाल उनके चरणों में लगाइए, उनके कपोलों पर लगाइए और उनको सुंदर तरह के भोग लगाइए, क्योंकि पूर्णिमा वाले दिन जो है फागुन पूर्णिमा के दिन ही होली जलती है। तो उस दिन जो है अपने घर में वैसे भी दोस्तों काफ़ी तरह के पकवान बनते हैं, पूरी, सब्जी आदि, मिठाइयाँ बनती हैं, तो आप ठाकुर जी को भोग लगाई, तुलसी पत्र डाल के ठंडाई का भोग लगाई, क्योंकि होली पर ठंडाई का बहुत महत्व होता है। फिर फाग उत्सव मतलब जो धुलहड़ी होती है, उस दिन जो है आपको सुबह स्नान कर लेना है, क्योंकि बहुत से लोग हैं बिना स्नान किए ही होली खेलते हैं। पर जो सही तरीका है वो है स्नान करके आप सबसे पहले अपने देवी देवताओं और अपने इष्ट के साथ होली खेलिए। मतलब मंदिर में आपको सबसे पहले पूजा कर लेनी है, उसके बाद आपको सभी देवी देवताओं को रंग लगाने, उसके बाद हमारे प्रिय ठाकुर जी और युगल सरकार की अगर आप सेवा करते हैं तो उनके साथ आपको अवश्य होली खेलनी है। क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि राधा कृष्ण का सबसे जो फेवरेट त्यौहार है, सबसे प्रिय त्यौहार है, वो है होली का, फाग का उत्सव। तो दोस्तों इस प्रकार जो है आपको पूजा कर लेनी है, उसके बाद राधा कृष्ण का स्नान करा के, अपने ठाकुर जी बाल राधा रानी का स्नान आदि करा के, उनको एक नॉर्मल वाइट कलर के कपड़े ही पहनाने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि होली के दिन आप ठाकुर जी को वाइट कलर में श्रृंगार करें, मतलब उनका हल्का फुल्का श्रृंगार कीजिए, क्योंकि जैसे कि आप जानेंगे कि होली खेलेंगे तो उनके रंग से कपड़े बिगड़ेंगे, इसलिए आप हल्का फुल्का अच्छे से पहनाइए, पर उनको मतलब पहनाइए और उनको पगड़ी लगाइए, अच्छे से उनका श्रृंगार कीजिए, राधा रानी का भी आप पूरा श्रृंगार कीजिए। उसके बाद दोस्तों सबसे पहले जो है आपको भगवान के साथ खेलनी है इत्र की होली। इत्र से मतलब उनकी इत्र से सेवा कीजिए, अच्छे से सुगंधित इत्र हो जाए, जिससे ठाकुर जी पूरे इत्र से महक उठें। उसके बाद जो है आपको खेलनी है ठाकुर जी के साथ फूलों की होली। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं फूलों भट चाहिए ठाकुर जी, अलग अलग गुलाब के, गेंदे के, मोगरा के, जितनी भी तरह की वैरायटी पर फूल मिल पाएँ ठाकुर जी के ऊपर फूल बरसाइए। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ठाकुर जी का जितना वजन है उतना फूल लाइए और उससे ठाकुर जी के ऊपर बरसात कीजिए और ठाकुर जी को अच्छे से फूलों में बिठाइए, जिससे वो महकते रहें। उसके बाद जो है दोस्तों आपको खेलनी है लड्डू जलेबी की होली। हमारे बरसाने में जो है बहुत ही फेमस है दोस्तों लड्डू जलेबी की होली। इसमें ठाकुर जी को लड्डू जलेबी का भोग लगाया जाता है, उसके बाद जो ये लड्डू हैं और जलेबी हैं वो अपने भक्तों में जो है बरसाए जाते हैं। तो आप अपने घर में जो है लड्डू जलेबी का भोग लगाइए, उसके बाद आप सब लोग मिलकर लड्डू जलेबी का प्रसाद पाइए, तो इस तरह से जो है लड्डू जलेबी की होली हो जाएगी। उसके बाद खेलते हैं गुलाल की होली। गुलाल की होली में जो है डिफरेंट डिफरेंट तरह के जो गुलाल होते हैं, ऑर्गेनिक गुलाल यूज़ कीजिए दोस्तों हमारे ठाकुर जी, क्योंकि बाल स्वरूप हैं, उनको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए आप ऑर्गेनिक गुलाल यूज़ कीजिए। हो सके तो अपने घर में फूलों को सुखा के बना लीजिए, काफ़ी टाइम है अभी, तो इस तरह से जो है आप फूलों की
गुलाल बना के आप गुलाल से होली कीजिए। काफ़ी तरह के गुलाल आते हैं, पर जिसमें कि गुलाबी गुलाल और जो है पीला गुलाल सबसे जो है महत्वपूर्ण होता है। इन दो गुलाल को तो आप ज़रूर लाइए। तो इन दो गुलाल से आप ठाकुर जी को अच्छे से सबसे पहले चरणों में लगाइए, उसके बाद उनके गालों पर लगाइए और उनका अच्छे से रंग दीजिए, क्योंकि दोस्तों हमारे ठाकुर जी को होली के रंगों में रंगना बहुत अच्छा लगता है। और वैसे भी किसको अपने शाम के रंग में रंगना अच्छा नहीं लगता दोस्तों, इसीलिए आप भी रंग जाइए दोस्त ठाकुर जी के फागोत्सव में और खूब उनके साथ प्रेम से होली खेलिए दोस्तों। होली खेलने के बाद, गुलाल से होली खेलने के बाद, अब आपको खेलनी है पानी वाली होली, क्योंकि होली के दिन पांच प्रकार की मुख्य होलियां होती हैं। लड्डू जलेबी की होली, गुलाल की होली, फूलों की होली, इत्र की होली, लठमार होली और जो है पानी की होली। अब पानी की होली में दोस्तों कुछ विशेष होता है कि जैसे कि हम तो बाज़ार के रंग ला के पानी में होली खेलते हैं, पर हमें ठाकुर जी के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों। अगर आप ठाकुर जी के साथ पिचकारियों से होली खेलना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों आपको जो है ऑर्गेनिक कलर बनाना होगा ठाकुर जी के लिए, जो कि बनते हैं टेसू के फूल को पानी में उबाल कर जो है उस तरह से जो है कलर का पानी तैयार किया जाता है, उसके बाद उससे होली खेली जाती है ठाकुर जी के साथ। अगर आपको टेसू के फूल ना मिल पाए तो जो आप हल्दी का पानी तैयार कर सकते हैं, या फिर जो ऑर्गेनिक गुलाल आते हैं उनको आप घोल सकते हैं पानी में, या फिर लाल चंदन यूज़ कर सकते हैं आप होली खेलने के लिए, या उससे भी जो है ठाकुर जी के साथ आप होली खेल सकते हैं। पर दोस्तों जो है मार्केट में जो रंग आते हैं गीले वाले पानी वाले, वो आप ठाकुर जी के लिए यूज़ नहीं कीजिएगा। ऐसा ना हो कि अगर आपके मार्बल के विग्रह हैं, अगर आप गुलाल से भी होली खेल रहे हैं, तो क्या है उन पर मार्बल के विग्रह पर बहुत ही जल्दी जो है स्टेन आ जाते हैं कलर के, तो ऐसी आप भूल बिल्कुल मत कीजिएगा दोस्तों, ये हम आपको एक सलाह देंगे। इसके बाद जो है आप होली में दोस्तों जब होली खेलना शुरू कर रहे हैं उस समय होली के रसिया गाए जाते हैं ठाकुर जी के लिए, आराम से आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे दोस्तों कि आज विरज में होली है रसिया, या फिर दूध छठी का याद दिलाऊँ, बहुत से रसिया होते हैं दोस्तों ठाकुर जी के जो गाए जाते हैं होली वाले दिन, तो वो आप अवश्य गाइए ठाकुर जी के लिए। होली होने के बाद आप ठाकुर जी की लठमार होली कैसे करेंगे, तो दोस्तों तो भगवान है और राधा रानी ने हमारे ठाकुर जी से होली खेली थी, मतलब हमारे ठाकुर जी क्या है राधा रानी को तंग करते थे होली होली वाले दिन, उनको सबसे होली रंगना रहता था, तो राधा रानी क्या है लठ लेके जो है वहाँ नंदगांव आती थी ठाकुर जी को लठ से पीटने के लिए। पर जो है ठाकुर जी भी बहुत ही दोस्तों हमारे नटखट थे, वो भी ढाल लेके खड़े रहते थे और खूब राधा ने लठ बरसाती थी और ठाकुर जी ढाल लेके खड़े थे, तो यही लीला जो है अब नंदगांव बरसाने में होती है, इसी को लठमार होली बोलते हैं दोस्तों। तो आप जो है इस फोटो के हिसाब से देख सकते हैं कि राधा रानी ने लठ पकड़ रखा है, इसी प्रकार आप एक जो है स्टिक बना के राधा रानी को पकड़ाइए और ठाकुर जी को ढाल पकड़ाइए, तो इस तरह से जो है आपको भी अच्छा लगेगा, झांकी बनेगी दोस्ती, उनको बहुत ही अच्छा सा माहौल बन जाता है। तो इस प्रकार लठमार होली करिए और खूब ठाकुर जी के रंग में रंग जाइए, उन पर गुलाल बरसाइए, फूल बरसाइए, तरह तरह के रंग बरसाइए, इत्र बरसाइए, स्प्रे कीजिए इत्र, तो इस तरह से जो है होली का उत्सव हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद आपको लगाना है ठाकुर जी को भोग। अब ठाकुर जी रंग में तो रंग गए हैं, अब उनको लगाना है भोग। भोग में होली वाले दिन जब होली खेलते हैं ठाकुर जी, उस समय जो है रस से भरी चीज़ों का भोग लगाया जाता है, क्योंकि जब ठाकुर जी होली खेलते हैं तो जो है रंग भर जाता है उनके गले में भी थोड़ा बहुत, जैसे कि हम भी खेलते हैं तो ऑब्वियसली दोस्तों रंग भर जाता है, तो उस समय जो है आपको रस भरी चीज़ों का भोग लगाना है जिससे कि वो रंग नीचे चला जाए। इस समय आप जो है ठंडाई का भोग अवश्य लगाइए, घर पर ठंडाई बनाइए, अच्छे से मेवे और सामान को पीस के और ठंडाई बनाइए, उसके बाद उनको आप लगा सकते हैं गुजिया का भोग, मठरी का भोग और रस से भरी जो भी आपके पास सामान है, जैसे लड्डू है, जलेबियां हैं, जो भी आपने घर में बनाया है उनका ठंडाई वगैरह का भोग आप ठाकुर जी को ज़रूर लगाइए। भोग लगाने के बाद इत्र की सेवा कीजिए, उसके बाद लग करनी है आपको आरती। आरती दोस्तों बहुत ही विशेष होती है, क्योंकि ये उत्सव आरती होती है, साल में बहुत ही विशेष आरतियाँ होती हैं कुछ कुछ, जिसमें से एक होली की फागोत्सव आरती भी है। तो ठाकुर जी के 5, 7, 11, 21, 108 जितने भी दीपक आप चाहें उनसे ठाकुर जी की आरती कीजिए, राधा प्यारी की आरती कीजिए, शंख से, पुष्प से और जो है गुलाल से उस दिन विशेष रूप से आरती करिए, चावर से, मोरपंख से, कपड़े से, तो ये सब विशिष्ट चीज़ों से आप आरती कीजिए, सबको आरती दीजिए, उसके बाद जल बरसाइए, तो इस तरह से हो जाएगी आपकी महा फागोत्सव की आरती। अब जैसे कि दोस्तों हर किसी जो है दिवाली के होली के टाइम दोस्तों जो है गिफ्ट दिए जाते हैं, तो आप भी अपने ठाकुर जी के लिए अपने श्रद्धा के अनुसार कुछ गिफ्ट ला सकते हैं, सामर्थ्य हो तो चांदी का कोई आइटम, सोना चांदी का कोई आइटम ला सकते हैं, या फिर जो है आप उनको पोशाक ज्वेलरी गिफ्ट कर सकते हैं, उनके लिए आप चांदी की पिचकारियाँ बाल्टी बनवा सकते हैं, या फिर छोटी गुलाल के लिए कटोरी बनवा सकते हैं, जो भी आपकी श्रद्धा हो उस हिसाब से आप ठाकुर जी को जो है गिफ्ट दीजिए। अब दोस्तों ये जो होली का कार्यक्रम है ये आपको 12 बजे से पहले पहले कर लेना है, 12 बजे के बाद ठाकुर जी को पुनः स्नान कराइए, पंचामृत से हो सके तो उससे स्नान कराइए, स्नान कराने के बाद सुंदर उनको पोछिए, प्रोक्षण कीजिए उनका, उसके बाद उनको इत्र की सेवा दे के, बढ़िया सुगंधित इत्र की सेवा दे के
आपको उनको वाइट कलर की अच्छी सुंदर पोशाक में श्रृंगार करना है, उनका बहुत ही भव्य श्रृंगार कीजिए, की सुंदर झांकी लगाइए, आसपास गुलाल की कटोरियाँ बाल्टी वगैरह भर के ही रखिए, क्योंकि दोस्तों ठाकुर जी के लिए तो कभी होली शांत नहीं होती है, वो तो नित्य निरंतर होली खेलते रहते हैं हमारी प्रिया जी के साथ। इस प्रकार से जो है आप ठाकुर जी के सामने झांकी लगाइए, दिव्य झांकी सजाइए और उनको दोस्तों ऐसे ही विहार करने दीजिए उस दिन। तो इस प्रकार से जो है ठाकुर जी के साथ और राधा रानी के साथ जो है ये फाग उत्सव दोस्तों आप इस प्रकार मनाइए। दोस्तों ये थी संपूर्ण जानकारी कि आपको किस तरह से जो है ठाकुर जी और हमारी राधा रानी के साथ फाग उत्सव मनाना है। कैसी लगी आपको दोस्तों ये जानकारी ज़रूर बताइएगा दोस्तों, मैं कमेंट्स में इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। पसंद आई हो दोस्तों ये वीडियो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा और शेयर कीजिए इस वीडियो को फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, जिससे वो लोग भी दोस्तों जो है इस वीडियो का आनंद ले पाएँ। दोस्तों जो है होली की छोटी छोटी क्लिप्स जो है हम इंस्टाग्राम पर शेयर करते रहते हैं, तो आप वहां जाके हमें ज़रूर फॉलो कीजिएगा दोस्तों इंस्टाग्राम पर, वहां हम लेटेस्ट अपडेट्स डालते रहते हैं। और दोस्तों अगर आपने हमारी शॉपिंग हॉल की वीडियो नहीं देखी है वृंदावन की और होली की, ज़रूर देखिएगा दोस्तों, लिंक आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों होली से रिलेटेड कोई नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों हरे कृष्णा राधे राधे।